ठीक है भाई। डॉक्टर्स ने सर्जरी करा है। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, उनका साया बच्चियों के सरों पे कायम रखे। मैं तो सोच रही हूँ अगर खुदा ना खास्ता अंकल को कुछ हो गया, फिर ना कहीं हमेशा के लिए यही ना आ जाए हमारे सरों पे सवार होने। दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो, वरना हमदर्दी में वो हमारे गले पड़ जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो और सर्जरी का सारा खर्चा भाई ही बर्दाश्त करेंगे। खर्चे की परवाह नहीं है मुझे, मुझे फिक्र है अपने बेटे की। वो पहले ही दिल हार बैठा है उसके ऊपर, ऐसा ना हो कि बीना का दीवाना ही हो जाए। अब्बी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना इंशाल्लाह, तो हम आपको आपके सारे एक्सपेंसेस। बीना प्लीज, ऐसा गैर जैसा भी है मत कीजिए। अंकल मेरे लिए गैर नहीं है, मेरे अपने हैं और अपनों से पैसों का कोई लेन देन नहीं। वो अंकल को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं। आप प्लीज घबराइए नहीं, दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाए। कहाँ जा रही हैं? मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। आइए मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे कोई प्रेयर या हो। आइए। अगर अब्बी को कुछ हो गया तो कुड़िया अपने आप को संभाल नहीं सकेगी। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पे भरोसा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। सद रात से ऐसी बैठी हो, कुछ खाने को लाऊं, चाय पियोगी? कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं जा रहा, बस सब भी ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह।